पंजाब मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री मंत्रियों दीयां अख्तियारी ग्रांटां दे विच कटौती नूं मंजूरी दे दित्ती है। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री दी अख्तियारी ग्रांट नूं 50 करोड़ रुपए तो घटा के 37 करोड़ रुपए अते अपने सारे मंत्रियों दी अख्तियारी ग्रांट 1.5 करोड़ रुपए सालाना तो घटा के 1 करोड़ रुपए सालाना कर दित्ती है। पंजाब विधानसभा स्पीकर की अख्तियारी ग्रांट भी 1.5 करोड़ रुपए तो घटा के 1 करोड़ रुपए कर दिती है। यह फैसला सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई दे विच हुई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग दे विच होया है। आओ सुनते हाँ अख्तियारी ग्रांटा दे विच कटौती नूं लैके सारी जानकारी। सब तो पहला तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नाल मेरे कैबिनेट कलीग अमन अरोड़ा जी, अज पंजाब कैबिनेट की एक अहम मीटिंग सरदार भगवंत सिंह मान मानयोग मुख्यमंत्री साहब की रहनुमाई हेठ हुई। पंजाब के पक्ष के अंदर पंजाब के लोगों के लिए अहम फैसले, पंजाब की तरक्की रख के वख वख फैसले लए गए, जिन्हों मैं समझदा कि 2021-22 की जी एनुअल रिपोर्ट आ इरीगेशन डिपार्टमेंट की सिंचाई विभाग की 2021-22 की रिपोर्ट जी सालाना रिपोर्ट वो पेश की गई, जिन्होंने प्रवानगी मंत्रिमंडल वालों दी गई। इस तरह लगभग पांच कैदियों की रिपोर्टा पेश हुई जिन्हों अगाऊँ अगेती रिहाई दे जिन्हों की रिपोर्ट पेश हुई। उन्होंने चार रिपोर्टा जी अगेती रिहाई लिया, एक रिपोर्ट जी सी रिजैक्शन की सी कि इस कैदी को रिहा ना किया जाए क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे बहुत सारे जोड़े तो चार चल रहे थे थलो लिख के ठीक नहीं आया सो so, एक कैदी रिपोर्ट जी रिजैक्ट की गई। चार कैदियों की जी अगाऊँ रिहाई है उन्होंने प्रवानगी मंत्रिमंडल वालों आज जारी की गई। इस तरह जोड़ा ग्रुप पंजाब सरकार के प्रशासनिक सुधार संबंधी डिपार्टमेंट वालों नवी 20 पोस्टां नूं प्रवानगी दित्ती गई, जिन्हां दी भर्ती जिहड़ी आउण वाले समें दे अंदर PPSC ते SS बोर्ड करनगे तां कि प्रशासकीय सुधार दे जिहड़ियां दे अंदर होर तरीके दे नाल काम जिहड़ा हैगा हो सके। इस तों बिना पंजाब दे अंदर एक मोहाली दे विच एक बहुत वड्डा जिहड़ा मैं समझदा हैल्थ दे खेत्र दे अंदर साडियां सिहत सेवावां नूं लै के बहुत वड्डा फैसला होया गा कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बैलरी साइंसिस की जी स्थापना की मोहाली के अंदर हो रही हैगी। लिवर एंड बैलरी साइंस की स्थापना मोहाली हो रही है, जिदे 484 असामिया की सृजना की गई है और लगभग 60 करोड़ रुपया खर्च आने का अनुमान आ, और जिदे मैं समझना पंजाब के हैपेटाइट सी के केस लिवर के केस जहाँ कोई ना कोई बीमारी है उन्होंने जोड़ा है ठीक करने बहुत बड़ा एक मील पत्थर साबित होगा, एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम हैगा। मैं समझदा पंजाब सेहत सेवावान होर बेहतर बनाने और पंजाब के नौजवानों के पंजाब के लोगों जेकर कोई बीमार हैगा उन्होंने ठीक करने में बहुत बड़ा इतिहासिक कदम जोड़ा चुकया गया है। इस तरह पंजाब के अंदर बोरिंग लिमिट FRBM एक्ट के सोध की गई है, वो जी हरेक साल सानू जो असं बोरिंग लें लिमिट करते हैं तो सानू हरेक साल एक्ट सोधना पैंदा सीगा, उन्हें जर्नलाइज किया गया कि किस तरह माली घाटे की होणगे, इस तरह जिहड़ा वित्ती घाटा की हैगा रेवन्यू का घाटा की आनू जो है बराबर मन के असी जी बोरिंग लिमिट करांगे, सो ये बड़ा सुधार होया गया। सो हुण मैं अमन अरोड़ा जी को बेनती करूँगा कि कुछ मुद्दे इन संबंधित ने गए ये भी ब्रीफ कर। बहुत बहुत धन्यवाद चीमा साहब। जिमें चीमा साहब ने दसे है कि कई इंपोर्टेंट डिसीजन ने जोड़े वो लए गए ने, जिदे मैं समझदा कि हैल्थ और एजुकेशन के भी जिमें और जॉब्स का जिमें प्रशासनिक सुधार डिपार्टमेंट साढ़े गवर्नेंस रिफॉर्म्स के जिहड़ियां 20 खाली पोस्टा ने उन्होंने भरन की गल की गई है और इस तरह हैल्थ सैक्टर के की गई है। एजुकेशन के भी एक बहुत अहम फैसला जिहड़ा अज सरकार वल्लों किया गया वो जिहड़े राज दे सीनियर सैकेंडरी स्कूल ने उन्हां दे विच विजिटिंग फैसिलिटी, क्योंकि कई बार इस तरह देखा गया है कि कोई पर्टिकुलर फील्ड इहो जिहा हुंदा जिथे विजिटिंग फैकल्टी की लोड़ हुंदी है ते उन्हां नूं नीड बेस्ड जरूरतों मुताबक उन्हां नूं जिहड़ा विजिटिंग फैसिलिटी अलाउ किया गया, जिहदे करके
कई बार उस स्कूल के जो पर्टिकुलर बच्चे के कोई इंट्रस्ट ने जरूरत ने वो पूरी नहीं होंगे सगिया वह फैसला किया गया तकरीबन 30 करोड़ रुपए का यदा आउटले है जोड़ा वह रख्या गया। सो मैं समझदा कि यह कई सारे डिसीजन ने जोड़े अज कैबिनेट ने लाए ने और इस तो भी इंपोर्टेंट क्योंकि अज पंजाब भगवंत मान जी की अगुवाई दे खेडां दा एक बहुत वधिया माहौल है जिहड़ा वह पंजाब दे विच बन रहा है और कल नूं खेडां वतन पंजाब दियां सीजन 2 दा आगाज़ है जिहड़ा वह होण जा रहा है जिस दे विच पंजाब दे माणयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और हज़ारां दी तादाद दे विच स्पोर्ट्स पर्सन जिहड़े वह खेड वह पार्टिसिपेट करनगे। सो तुहानूं मीडिया दे जरिए बेनती करदे आं कि जिवें जिस तरीके दे नाल पिछली वारी 3 लाख तो वध खिडारियों ने पार्टिसिपेट करके उस महाकुंभ दे विच एक पंजाब दे विच माहौल सिरजिया स्पोर्ट्स का उहदे वास्ते भी बेनती है सारे पंजाब दे स्पोर्ट्स पर्सन कि वध तों वध पार्टिसिपेट करन ताकि एक वधिया माहौल है जिहड़ा पंजाब दे विच सिरजिया जा सके। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 37 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਇਆ ਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 37 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਾ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ 200 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ 2000 ਰੱਖਿਆ ਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100% ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 86% 87% ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਰੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਬੁਟੀਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ GST ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ GST ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਵੇਜ਼ਨ ਆ ਗਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ GST ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ GST ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭ੍ਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਖਤਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਡਰੱਗ ਦੀ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ
जो पंजाब भारतीय जनता पार्टी की जो पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल दोनों की सांझी सरकार होंदी सी सब तो वध नशियां का कहर बीजेपी की सरकार के समय होया सीगा सब तो वध मौतां सब तो वध ड्रग पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार के समय होया सीगा और उस तरह नूं कैरी ऑन किने रखिया कांग्रेस पार्टी ने रखिया सीगा साडी सरकार आउण तों बाद सिकंजा चाहे छोटिया मच्छियां ने चाहे वड्डिया मच्छियां ने उन्होंने खिलाफ कसया गया और सब तो वध एफआईआर हो जाने गया सब तो वध रिकवरी हुई है अक्सर अकाली दल कहता है कि शराब ठेके थे उसे चिट्टा विकता रहा और बार बार जो पहला कांग्रेस पार्टी फिर अकाली दल ने भी बार बार आरोप लगा रहा कि भी एन सी पी भी उत्थे गई बकायदा उत्थे और 66 जोड़े है फिर दोबारा एलोकेट करते गए दोबारा ठेके दिते गए देखो तुम बड़ा इंपोर्टेंट सवाल पूछा कि लुधियाना के अंदर 66 जोड़े ठेकों सीज़ किया एन सी बी ने सीज़ किया बिल्कुल कोई शक नहीं पर लेकिन उस असलियत यह सी कि एक व्यक्ति जिहड़ा उस कंपनी इनवॉल्व सीगा कंपनी का डायरैक्टर सीगा वह कित्थे फड़िया गया सीगा वह जिथे बीजेपी की सरकार आ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कित्थे आ गुजरात के अंदर लंबे समय तो गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ उत्थे एक व्यक्ति फड़िया गया सीगा उहदा रिलेशन बिल्कुल उस कंपनी का आया सी जदों सानूं पता लग्गिया तुरंत कार्रवाई की गई और केस जिहड़ा मानयोग हाई कोर्ट के अंदर गया साड़ी सर्वोच्च अदालत जी पंजाब एंड हरियाणा की अदालत उस गया सीगा और उतो बिल्कुल हाई कोर्ट ने कहा कि ठेके जड़े ने गे जे गलत तरीके दे नाल सीज़ किए गए तुरंत खोले जाण सो मैं समझना मानयोग गवर्नर साहब न इन सारे मामलों से अपने लीगल एडवाइजर तो सलाह लेने चाहिए तो इस तरह के लैटर लिखने चाहिए ने बिल्कुल असी 100% काम किया गया 100% रेवन्यू जो आ रहा है कित भी इस तरह की कोई भी घटना नहीं लगातार साड़ी जी चौकसी टीमां नेगियां वह पंजाब के हर ठेकों को हर जगह पर चैक कर रही है सो इस तरह दी मैं समझदा लोगों के अंदर गुमराहपूर्ण प्रचार जिहड़ा गा वो मानयोग गवर्नर दे साहब दे राही नहीं होना चाहिए बल्कि वह मैटर आलरेडी जिहड़ा गा हाई कोर्ट के अंदर खत्म हो चुके हैं नहीं इस तरह की कोई भी चर्चा नहीं इस तरह की कोई भी चर्चा नहीं कांग्रेस वालों लगातार धरने दिए जा रहे हैं हड़ा लैके 186 करोड़ रुपए ऑलरेडी जारी हो चुके हैं और बहुत जगह जिथे कि हजे भी पानी खड़ा गा कई जगह से हजे भी पानी खड़ा गा सो जिथे जिथे पानी खड़ा गा वो गिरदावरियां जिम्मे में होकर आ रही है मित्र जो है मुआवजा जारी हो मैं समझदा उन्होंने वेट करनी चाहिए है क्योंकि कुदरती कहर लगातार जारी है सो उन्होंने पंजाब सरकार की जिहड़े कीते काम की सराहना करनी चाहिए है बेवजह जिहड़ियां पोलीटिकल स्टेटमेंटा नहीं देनी चाहिए नेगियां लगातार सरकार जिहड़ी आ किसान की जिहदा भी नुकसान होया दी असीं बांह फड़ी हैगी 186 करोड़ जारी हो चुके हैं जो भी जिंदी मुआवजे की लिस्ट बन के आ रही है तुरंत जो पैसे जारी हो रहे हैं धन्यवाद होर नवीं खबर देखने के लिए सबसक्राइब करो PBX News द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल